राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने श्री गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी का किया विधिवत उद्घाटन। मंत्री ने कहा, गौरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। भागलपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज भागलपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और पुष्प वृक्ष देकर उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद वह श्री गौशाला भागलपुर आकर मेले का उद्घाटन किए। सबसे पहले गौ माता को चरण स्पर्श करते हुए उन्हें हरी घास चारा खिलाते हुए उनको चंदन लगाकर प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि गौ हमारी माता है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमें हर समय गौ की रक्षा करनी चाहिए। और उन्होंने गौशाला के अधिग्रहण जमीन को लेकर कहा कि जिसने भी गौशाला के जमीन को अधिग्रहण किया है, जल्द से जल्द उनसे बात की जाएगी और गौशाला की व्यवस्था को और दुरुस्त और व्यवस्थित ढंग से तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत के माध्यम से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। साथ ही बाहर के कलाकारों ने भजन के माध्यम से समा बांधा। साथ ही साथ मेले में शहर के कई गणमान्य लोगों के साथ साथ हजारों की संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। कानूनी जंग न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर की पवित्र भूमि पे मैं आया हूँ गौ पूजन करने के लिए और आज गोपाष्टमी है। आज यहाँ नए गौशाला का भी उद्घाटन हुआ है। पहले से भी यहाँ 131 वर्ष पुराना श्री श्री गौशाला भागलपुर यहाँ अवस्थित है, जिसके अंतर्गत चार और गौशालाएँ चल रही है। भागलपुर के इस गौशाला में श्री श्री धर्मशाला भागलपुर में 400 गैया हैं, 100 नई गैया जो बिल्कुल देहाती नस्ल की होगी, जो अभी आप देखे भी होंगे, जिसका उद्घाटन किया गया है उसमें है। और आज यहाँ इस गौपाष्टमी के कार्यक्रम में मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। यहाँ के लोगों के दर्शन करने के लिए, गौ माता के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया। तो जमीन पर बैठ गया अचानक पूजा करने गौ माता का, और लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश क्या है, हम गौ पूजकों से और गौ रक्षकों से यही कहेंगे कि गौ माता का संवर्धन हो, उसकी रक्षा हो। गौ माता के अंग अंग में कोई ना कोई देवी देवता हमेशा विराजमान रहते हैं, इसलिए गौ बहुत पूज्य है, गौ माता पूज्य है। माता कामधेनु का अंश हर गैया में है, इसलिए यह पूजनीय है। इसके पूजन से जीवन में खुशियाँ आती है, समाज में संवर्धन आता है, राष्ट्र की उन्नति होती है। सर, गौशाला की कई जगह पर जमीन जो है वो अतिक्रमण कर ली गई है, उसको हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, मुझको पता चला है कि हाँ, कई एकड़ जमीन गौशाला का अतिक्रमण कर लिया गया है। मैं आपको कह रहा हूँ, एक न एक दिन मैं इस गौशाला के जमीन जो अधिग्रहित किया गया है उसको मैं इस गौशाला को वापस कराऊंगा। सर, कई जगह पर जो अनाथ गायें घूमते रहती है उसके संरक्षण के लिए कोई योजना चलाई जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ क्या है, गौशाला इसीलिए है कि बहुत सारी गैयाँ ऐसी होती है जो कहीं सड़कों पे इस तरह से घूमती है, तो गौशाला समिति उसको देखती है, उसको अपने गौशाला में लाती भी है, उसका इलाज भी करती है, उसका सेवा भी करती है। गौशाला का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ दुधारू गैयाँ ही हो, ऐसी गैयाँ जो सेवा योग्य है, कहीं सड़कों पर घूम रही है, उसको भी गौशाला में लाया जाता है। सर, हाल के दिनों में एक विस्फोटक खिला दिया गया था गाय को, जिससे कि गाय घायल हो गई थी यूपी में, तो उसको लेकर क्या है? अभी यहाँ आज गौपाष्टमी किस कार्यक्रम में आए हैं, ठीक ना, मैं इतना फिर दोबारा कहूँगा कि जिसने भी अतिक्रमण, जिसने भी अधिग्रहण गौ इस श्री श्री गौशाला भागलपुर के जमीनों का जिसने भी अधिग्रहण किया है, एक न एक दिन उस जमीन को मैं वापस करवाऊँगा ही करवाऊँगा। आज गोपाष्टमी, आज गोपाष्टमी, एक सवाल बस।